हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिली। आप सभी को देवर्मा मिलीज किचन में स्वागत है। मैं आज उपमा बनाऊंगी। उपमा बनाने के लिए हमने छोटी कटोरी से 1 कटोरी सूजी लिया है और ये स्वीट कॉर्न बॉईल किया हुआ, करी पत्ते, हरी मिर्च, मस्टर्ड सीड, ओनियन, टमाटर और मस्टर्ड ऑयल। देखिए, कढ़ाई को गरम कर लिया है हमने। इसमें मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून डाल दिया है। बॉयल किया हुआ कॉर्न को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आप देख सकती हैं, आप चाहे तो उसमें चने की दाल भी डाल सकती हैं। हम स्वीट कॉर्न से बनाएंगे आज। फिर से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद ओनियन डाल दिया है। ओनियन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसका जो कच्चापन है बस वो चला जाए, इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। टमाटर को भी सेम तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के वक्त हम उसमें नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा क्रंचीनेस नहीं होगा, इसलिए। अब इसको निकाल लेंगे। अभी ऑयल में मस्टर्ड सीड और करी पत्ता डाल के इसमें सूजी डाल देंगे। आप देख सकती हैं, डालने के बाद मस्टर्ड सीड और करी पत्ते डालने के बाद सूजी को अच्छी तरह से भून लेंगे। सूजी जितना फ्राई होंगे उतना ही खिला खिला हो जाएगी। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। सूजी को मीडियम लो में फ्राई करना है। हमने मीडियम लो में सूजी को फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद जो हमने ऑनियन, टमाटर और कॉर्न रखी है फ्राई करके उसमें डाल दिया है। अभी हरी मिर्च आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकती हैं, अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो ज़्यादा डाल सकती है। 1 मॉक, इस मॉक से पानी डाल दिया है हमने। पानी डालने के बाद आप देख सकती हैं, आंच को मीडियम रखी है। अभी थोड़ा सा ढक देंगे। ढक्कन खुलने के बाद देखिए इतना खिला खिला हुआ है। आप घर पर जरूर बना के खाइएगा। मेरा ये उपमा का रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकती हैं कितना अच्छी तरीके से उपमा बन गई है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।